कहते हैं कि नारी किसी से कम नहीं, अगर उसे मौका मिले तो अपनी मंजिल खुद ही पा लेती है। हम अक्सर देखते आए हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बड़ी कठिनाइयां पार कर अपना मुकाम हासिल किया है। सृष्टि समाज सेवा संस्था ऐसी ही एक संस्था है जो ऐसी ही महिलाओं को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर महिला टीचरों को पुरस्कार दिया गया। नंदिता खान ने कई सामाजिक कार्य किए हैं और महिलाओं को हौसला बढ़ाया है। आइए जानते हैं इस बारे में नंदिता खान और महिलाओं का क्या कहना है। मैं नंदिता खान का बहुत बहुत शुक्रिया गुजार कर रही हूँ उसका कि हल्दी कुमकुम में भी जो इतनी महिला लोग आए थे उनका भी उनको अच्छा से स्वागत किया। बहुत महिला लोग आए थे उनका बहुत बहुत मतलब इतना और महिला लोग आए कि पूछे मत कि उनका स्वागत करने को हम लोग को और लोगों को साथ में जुड़ना पड़ा। और ये टाइम पे भी संगीत कुर्सी अच्छे खेले, गिरे पड़े लेकिन खेले, मजा करे एकदम अपना दिल से वो लोग एकदम घर का काम वाम छोड़ के अपने बाल बच्चों को छोड़ के, लेकिन एक महिला दिवस थे आते साल में एक बार, उन्होंने बहुत अच्छे से किया, करना चाहिए और मैं देखना चाहती हूँ बहुत बहुत आगे चलना चाहिए। नंदिता खान और उनकी एक बड़ी टीम है, बहुत अच्छी है उनका कार्य बहुत अच्छा है एरिया में। मैं भी इधर का एक रहवासी हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनकी टीम। सिर्फ ये नहीं, महिला दिन नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स है एरिया में, कोई भी प्रॉब्लम है तो उनकी टीम और वो सदा रेडी रहते हेल्प करने के लिए। तो हमने सोचा जो महिलाओं ने अपने सोसाइटी के लिए जो योगदान दिया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, जैसे खास करके टीचर्स, कम्युनिटी हेल्पर्स, तो हमने सोचा इन सबको फेलिसिटेट करके समाज में एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं हम लोग कि ऐसी महिलाएं हैं जो सोसाइटी में सुधार करना चाहती है। तो हम लोग इनको एक अपने तरीके से थैंक यू बोलना चाहेंगे कि एज टीचर्स, टीचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का, क्योंकि अच्छे वैल्यूज़ और एडुकेशन के बिना किसी की भी लाइफ अधूरी है और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने ये सोचा टीचर्स को फेलिसिटेट करेंगे। और टीचर्स भी ऐसे थे जो गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, उनको एजुकेशन देते थे खास करके स्लम एरियाज़ में, तो हमने ऐसे टीचर्स को फेलिसिटेट किया है। और सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हमने ये इनिशिएटिव लिया और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से हुआ, लेडीज़ को अच्छा इन्जॉय भी मिला। तो बाकी मैं क्या बोलूँ, हमारे बीच ऐसे सोशल वर्कर्स और जो चीफ गेस्ट है वो ऐसे हैं जो अपने अपने फील्ड में काफ़ी माहिर है। जैसे सोशल वर्कर मिसेस नमिता डिक्रूज है, ये काफ़ी वक्त से ऐसा है लेकिन उन्होंने कभी समाज में ऐसा अपने आप को दिखावा वाला वह स्टेटस पे लाए नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको फेलिसिटेट करूं। फिर रूबन डिक्रूज है जिन्होंने काफ़ी बोलते बच्चों का एजुकेशन स्पॉन्सर किया है, इन्होंने भी मतलब कभी ऐसे अपफ्रंट आके बाहर अपने आप को कभी प्रोजेक्ट नहीं किया है कि हम सोशल वर्कर्स हैं या हम समाज में इतना हमारा योगदान है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनिशिएटिव लेके इनको बुलाऊं कि इनका प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और मिस्टर प्रभु जी है, मिस्टर विवेक प्रभु, जिन्होंने स्पोर्ट्स के माध्यम में, वो एक स्पोर्ट्स ट्रेनर है, फिटनेस ट्रेनर है और साइक्लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट है, रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे एजुकेशन के साथ साथ फिटनेस कितना इम्पॉर्टेंट है आज के तारीख में। अगर हम लोग फिट नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे डिजीज़ों का शिकार हो जाएंगे। तो उन्होंने अपना योगदान ऐसे दिया है, वो फ्री में बच्चों को सिखाते भी हैं, काफ़ी ट्रेन भी करते हैं और बच्चे इंजॉय करते हैं इनके साथ ट्रेन करने में। इनका लेवल ऑफ मतलब टीचिंग इतना इंटरेस्टिंग है कि बच्चे बहुत इंथुजियाज्म के साथ उनके अंडर ट्रेन करना चाहते हैं। और काफ़ी मतलब इनको अप्रिसिएशन गिफ्ट्स भी मिले लोगों की तरफ से कि मतलब बहुत लोगों ने अपना जो मतलब डिजीज़, मेटाबॉलिक जो डिजीज़ होता है वो ओवरकम किया है इनके अंडर फिटनेस का ट्रेनिंग लेते हुए। तो मैंने इनको इसलिए बुलाया ताकि समाज में एक एग्जांपल मैं इनको दिखा सकूं कि ऐसे ऐसे लोग क्षेत्र में हैं जो अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते, मतलब दिखावा नहीं करते कि हम लोग भी सोशल वर्क करते। तो मैंने ऐसे लोगों को बुलाया कि चीफ गेस्ट के तौर पे, ना ही कि सेलिब्रिटीज़ और ये लोग जो सिर्फ मतलब बाइट देंगे, गिफ्ट देंगे और चले जाएंगे। ये यहीं के लोग हैं, लोकल है, जो लोकल लोगों को पहले एग्जाम्पल दे ताकि हमारे लोग सीखें उनसे। तो मैं यही बोलूँगी कि इन सब ने अपना जो कीमती वक्त दिया उसके लिए मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करना चाहूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने प्रेजेंस किया और सपोर्ट किया हमारे इनिशिएटिव को, हमारे एनजीओ को, ऐसे साथ देते रहिए। ये हमारी नंदिता खान जी जो है वो हमारे लिए बहुत कुछ ऐसे फंक्शंस रखते हैं
जहाँ बच्चों के लिए, खाली महिलाओं के लिए ही नहीं, सिर्फ जो बच्चे हैं हमारे एरिया के उनके लिए भी बहुत तरह के अलग अलग फंक्शंस प्रोग्राम्स रखते हैं, जहाँ बच्चों को भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सकता है। और आज हमको भी ये जगह पे बुला के हम लोग को भी फेलिसिटेट किया एज टीचर्स, और यहाँ हमारे एरिया के महिलाओं को भी हर प्रोग्राम में, हर एक दिन जो ऐसा आता है महिलाओं के लिए, एक टाइम ऐसा छोड़ा नहीं है, हर बार लाइक सबको बुला के वो सबको एंटरटेन करते और फंक्शन रखते महिलाओं के लिए। नंदिता दीदी ने आज जो 8 मार्च के लिए वुमेंस डे के लिए जो सत्कार किया है, बहुत अच्छा किया है। मैं एज अ नर्स हूँ, मैं पैरामेडिकल स्टाफ हूँ, क्रिटिकल हॉस्पिटल ICU इंचार्ज हूँ। तो उन्होंने मेरा सत्कार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम वॉरियर लोगों को भी कोई भी सम्मान कर रहा है करके।